उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के सिरौली में ई रिक्शा चालक बेलगाम होते नजर आ रहे हैं, जिन पर थाना सिरौली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इतना ही नहीं, नाबालिग बच्चे भी ई रिक्शा चला रहे हैं, जिनको पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। मामला कस्बा सिरौली से सामने आया है, जहां बुधवार की दोपहर एक ई रिक्शा चालक ने बाइक को साइड से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार घायल हो गया और ई रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया, जहां सिरौली अड्डे चौराहे पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड ने बाइक दौड़ाकर उसको पकड़ लिया। दरअसल थाना सिरौली क्षेत्र के गांव गुरगांव के रहने वाले बिजेंद्र सिंह यादव बाइक से अपनी पत्नी को दवा दिलाने बुधवार की दोपहर सिरौली आए थे। जैसे ही वह सिरौली के गोल चक्र के पास से गुजर रहे थे, इसी दौरान पीछे से आकर एक ई रिक्शा चालक ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी बाइक का हैंडल फंस गया और बाइक सहित बिजेंद्र सिंह यादव रोड पर गिर गए। स्थानीय लोगों ने उनको उठाया, साइड मारने वाला ई रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया। सिरौली के अड्डे पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड के जवान ने अपनी बाइक को दौड़ा दिया और ई रिक्शा चालक को धर दबोचा। आपको बताते चले कि नगर सिरौली में ई रिक्शा चालक यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। सिरौली से संवाददाता रामू कठेरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? बिजेंद्र सिंह। कहाँ रहते हैं? अच्छा, कैसे आपकी चोट लगी है, पैर में क्या हुआ? पैर में एक मोटरसाइकिल ठाड़ी माना हैंडल में फांस कर ट्री ने मार दी। हाँ। ये रिक्शा चालक ने जी चला गया, मौके से चला गया। मैं आवाजें देते रह गए, लेकिन वो भाग गया। अच्छा, क्या करने आए थे आप सिरौली? यहाँ इनकी पट्टी करवाने आए, पत्नी की। लोग एकत्र हो गए यहाँ पे, आपको बिठा रहे हैं। कहाँ कहाँ चोटें आई?